दोस्तों बीटीएस के मेंबर जॉन जंगकुक को अक्सर काफी सारी लड़कियों के साथ लिंक कर दिया जाता है और ऐसे में सबसे पहले उनकी एजेंसी यानी हाइव अपनी स्टेटमेंट देके सभी रूमर्स को क्लियर कर देती है। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक बार फिर से काफी सारे हेटर्स ने और काफी सारी मीडिया वालों ने रिपोर्ट करा है कि जंगकुक फाइनली किसी को सीक्रेटली डेट कर रहे हैं। दोस्तों एक्चुअली ये बातें तब फैली जब जंगकुक की कुछ ओल्ड फोटोज एक लड़की के साथ वायरल हो गई और ये फोटोज उस टाइम की है जब जंगकुक ने अपने हाथों में टैटूज भी नहीं करवा रखे थे। हालांकि दोस्तों इन सभी बातों के ऊपर हाइव ने अभी तक अपनी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। दोस्तों हमारे बीटीएस के मेंबर जंगकुक को अक्सर उनके टैटूज के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से एक बार जब एक लड़की ने सोशल मीडिया पर सेम टैटूज की फोटोज रिवील करी थी जिनको बाद में जंगकुक ने अपने हाथों पर बनवाया, तो दोनों को ही रोमांटिकली लिंक्ड कर दिया गया था। काफी सारे लोगों का मानना था कि वो एक टैटू आर्टिस्ट और जंगकुक की एक्स गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है और काफी सारे लोगों का ये भी कहना था कि कहीं ना कहीं दोनों का अभी तक कनेक्शन जारी है। हालांकि दोस्तों इससे पहले जब जंगकुक की एक टैटू आर्टिस्ट के साथ फोटोज वायरल हुई थी तब हाइव ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट देकर सभी कॉन्ट्रोवर्सीज को क्लियर कर दिया था। लेकिन अब अचानक से जब जंगकुक की पुरानी फोटोज वायरल करी जा रही हैं, जहां पर उनके हाथों में टैटूज भी नहीं है और वो एक लड़की को हग कर रहे हैं, उनकी बॉडी पर्सनालिटी से साफ साफ पता चल रहा है कि शायद वो जंगकुक ही हैं। तो इन फोटोज को लेकर अभी तक उनकी एजेंसी ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है और दोस्तों यही चीज आर्मीज को सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि हमेशा किसी भी रूमर के लीक होने के बाद हाइव एजेंसी की स्टेटमेंट तुरंत ही सामने आ जाती है। लेकिन पिछले वी और जेनी के केस में भी ऐसा ही किया गया था और अब जंगकुक के साथ भी यही किया जा रहा है। और दोस्तों आर्मी इन सभी चीजों को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज को सच माने और किस चीज को ना माने। तो दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपका इस टॉपिक के बारे में क्या सोचना है। क्या आपको भी लगता है कि जंगकुक किसी को सीक्रेटली डेट कर रहे हैं या फिर नहीं? और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।